अगर तुम टफ कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुम्हारे को बाकी कॉन्सेप्ट्स काफी इजी लगने लगेंगे, दिमाग और खुल जाएगा। अच्छा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हो सकता है, अच्छा ऐसा एल्गोरिथम भी लग सकता है, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे बड़ा डर होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या मैं सोल्यूशन देखूं, देखूं तो कब देखूं, अच्छा मैं क्या करूं कि अगर मैंने कर लिया तब भी देखूं। जो नहीं हुआ है ना उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बढ़िया बनते हैं ना वो रिवाइज करते हैं, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। Hi, myself Tariq here. So first of all, very very happy new year to all of you and welcome to this amazing year 2022. तो यार आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे फेवरेट टॉपिक व्हिच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपनी इसी के अराउंड चीजें पूछे जा रही है, सब कुछ इसी के अराउंड फोकस रहता है कि हमें उसको 2022 में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हम करें। तो मैं ऐसी 7 चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखना है वाइल प्रैक्टिसिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, और ये चीजें अगर कैटर करोगे तो तुम अच्छे से डीएसए में काम कर पाओगे, फोड़ पाओगे और इवेंचुअली कंपनी क्रैक कर पाओगे। तो यार ये 7 पॉइंट्स मैं बताऊंगा क्या चीज तुम्हें ध्यान रखना है और उन चीजों को तुम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक रहना और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी मदद हो जाएगी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं। 2021 में बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसी डाली है, तुमने अमेजिंग सपोर्ट दिखाया है, तो कीप सपोर्टिंग अस, हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम भी तुम्हारी ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, है ना। सो ये सब चीजों का बेसिक ध्यान रखो, लाइक एंड शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में प्रैक्टिस करने में सबसे फर्स्ट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज जहां से भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो नथिंग मैटर्स मच, बट स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए, डिफाइंड वे होना चाहिए कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम्स करनी है, और वो हजार प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। दोज शुड बी क्वालिटी 300 to 350 प्रॉब्लम्स, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की यार एरेज की ये प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रिंग्स की ये प्रॉब्लम्स हैं, लिंक्ड लिस्ट की ये वाली हैं, ट्रीज की ये वाली हैं, स्लाइडिंग विंडो के ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट होना चाहिए जहां से हमें प्रैक्टिस करना है। अगर स्ट्रक्चरिंग नहीं है कंटेंट में तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, तो प्लीज उस चीज को मिस मत करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस करना, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर डीएसए प्रिपरेशन। लोग यही मिस कर देते हैं, लोग कहीं से भी रैंडमली प्रैक्टिस कर पाते हैं और इवेंचुअली आउटपुट नहीं आता। या तुम जहां से भी प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर्ड वे में करना, एक डिफाइंड वे में करना, 300 to 350 क्वालिटी प्रॉब्लम्स का करना, एंड दैट विल मेक यू अ वेरी वेरी गुड इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, और तुम्हें एक मजा भी आएगा करने में, वो मोमेंटम रहेगा, वो मोटिवेशन रहेगी कि मुझे ये कंप्लीट करना है ना। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए तो हमारे पास गाइडेड पाथ है हमारे कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत तमीज से अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में बना रखा है कि यार पहले एरेज के क्वेश्चंस करो, फिर ये स्ट्रिंग्स के करो, फिर ये लिंक्ड लिस्ट के करो, लिंक्ड लिस्ट में कौन कौन से करो, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाले करने हैं या पहले ये वाला करना है, रिवर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत डिफाइंड वे में बनाया हुआ है। अगर वो पाथ पूरा कर लेते हो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता डीएसए में अच्छा होने से, तो प्लीज उस पाथ को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें टीए सपोर्ट चाहिए या बेसिकली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए कि हमारे हमारा मोटिवेट रखा जाए हमें कि यार हम कंप्लीट करें इसको, तो यू कैन सी अवर कोर्स एज वेल, वहां पर भी हमें डिफाइंड वे में स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाता है। अगर फ्री में करना है तो गाइड पाथ से कर सकते हो, बट अगर टीए चाहिए बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं तो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स एज वेल। पहला पॉइंट हो गया स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, किसी और वेबसाइट से करना है करो, बहुत सारी अमेजिंग वेबसाइट्स है, हमें प्राउड है हमारे कोड स्टूडियो पर, वहां से तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वे हो गया। दूसरा पॉइंट है यार हमें सॉल्यूशंस, सबसे बड़ा डर होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या मैं सॉल्यूशन देखूं, देखूं तो कब देखूं, अच्छा मैं क्या करूं कि अगर मैंने कर लिया तब भी देखूं। सॉल्यूशंस तुम्हें हमेशा देखने हैं, चाहे हो गया सॉल्यूशन, मतलब चाहे तुमने खुद से कर लिया चाहे नहीं करा, जब नहीं करा था तो देखना ही है, जब कर लिया तब भी देखना है, बिकॉज जो लर्निंग उसमें होगी, जो तुम्हें पता लगेंगी नई अप्रोचेस, वो दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली है। तो हमें सॉल्यूशंस देखने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, हमें वहीं से लर्निंग होगी। अगर हम 300 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग अप्रोचेस पता लगेंगी, जो तुम बाद में जब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम्हें पता लगेंगी अच्छा वहां ये लगा सकते हैं। वो सीखना बहुत जरूरी है, दूसरे के सॉल्यूशंस देखना बहुत जरूरी है, उसी से सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। तो प्लीज इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस देखने के टाइम कब देखना होता है, यार जनरली आई विल रिकमेंड कि यार 2 घंटे तो दो प्रॉब्लम को,
है ना, अच्छे से डिफाइंड वे में मैं कॉपी पेन लेके बैठूंगा, अपना पूरी जी जान लगा दूंगा, जितना भी मुझे आता है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करूंगा एंड मुझे पता लगेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 घंटे दे दिया, नहीं हो रहा, राइट? अगर हिंट्स है, हिंट्स गिवन है तो हिंट्स की हेल्प लो, टेक अ हिंट 1 या टेक अ हिंट 2, जो भी तुम है हिंट्स लो, सॉल्यूशन पूरा मत देखो, हिंट के बाद ट्राई करो 2 घंटे और चाहे एक बीच में ब्रेक दे दो और उसके बाद शाम को ट्राई करने के टाइम हिंट देख के तुमने देख लिया, अब थोड़ा सा सोचना शुरू करा, 2 घंटे और दिए, अगर तब हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, अगर तब नहीं हुआ तो भाई अब सॉल्यूशन देख लो, राइट? अच्छे से देख लो कि क्या यूज हुआ है, क्या पता कोई नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो तुम्हें पता ही ना हो, राइट? जब हम कैटनेस एल्गोरिथम पढ़ते तो हमें नहीं पता होता यार वो कैसे चलती थी, है ना, वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो उन चीजों को सीखो, बिल्कुल अच्छे से कोड कर दो और उसको एक बुक मार्क कर दो कि मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा दोबारा, ये मुझसे अभी हुआ नहीं है, आई विल बुक मार्क दिस एंड आई विल प्रैक्टिस इट अगेन आफ्टर 20 डेज। तो तुम्हारा हर बारी प्रैक्टिसिंग के टाइम एक बुक मार्किंग चलती रहनी चाहिए कि यार इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, या क्या मैं कुछ चीजें लिख लूं, क्या मैंने नया सीखा, तो बेसिकली तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से तुमने प्रॉब्लम्स को यूटिलाइज करा होगा एंड दैट विल मेक यू वेरी वेरी अमेजिंग इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। जो नहीं हुआ है ना उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो सॉल्यूशंस हो गया है तो देखो, कुछ नया मिला है तो फिर उसको बुकमार्क करो कि मैं इसको दोबारा देखूंगा, नहीं हुआ तो डेफिनेटली बुकमार्क करना है, मैं इसको रिवाइज करूंगा, और वो करना है। जो बढ़िया बनते हैं ना वो रिवाइज करते हैं, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, है ना? और अगर तुम्हें सॉल्यूशंस देखने हैं तो हमारे गाइड पास जो मैंने तुम्हें बताया उसके अंदर सॉल्यूशंस तुम्हें सब क्वेश्चन के मिल जाएंगे आराम से, तो प्लीज उनको तुम रेफर कर सकते हो एंड वहां पर भी तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें डिफरेंट अप्रोचेस देंगे हर क्वेश्चन के, यार बेस्ट अप्रोच क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उसको रेफर करके भी तुम कर सकते हो, ठीक है? ये हो गई बात, दूसरी बात सॉल्यूशंस की। तीसरी बात, जब तुमने ये 300 क्वेश्चंस कर लिए, बुक मार्किंग कर ली थी, स्ट्रक्चरिंग में सॉल्यूशंस भी देख लिए थे, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे, कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए थे, उनको रिवाइज करो, 1-1.5 महीना 2 मैं रिवीजन के अराउंड ही दूंगा जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। इन्हीं 300 प्रॉब्लम्स में बहुत सारी ऐसी 100 से 150 प्रॉब्लम्स हुई होंगी जिसमें तुम्हें दिक्कतें आई होंगी, तो प्लीज उनको रेफर करो एंड उनको करने की कोशिश करो, बिकॉज जरूरी नहीं है एकदम से बढ़ना है आगे, राइट? थोड़ा सा टाइम दो रिवीजन को, ये क्रिटिकल स्टेप है तुम्हारे को डीएसए में अच्छा बनने में। तो जब मैंने अपने टाइम पे तैयारी करी थी तो मेरे को लगा था टाइम 6-7 महीने सीखने में लगा, फिर मैंने 2 महीने और दिया रिवीजन के लिए, राइट? तुम्हें 1 महीना देना 1-1.5 महीना, बट रिवीजन करना बहुत जरूरी है, उसको मिस आउट मत करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो हमने एक स्ट्रक्चरिंग वे में सीख लिया, सॉल्यूशन सीख लिए, अब उसके बाद हमने रिवीजन करा, जो भी हमने कर लिया था, हमने जो भी बुक मार्क करा था उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, हमें समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे चलते हैं एंड ये यहाँ यूज होता है। हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स कवर हो गए टू प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। ये 3 अपने क्रिटिकल स्टेप नोट डाउन कर लेना, इनको मिस आउट बिल्कुल मत करना। अब 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमने 300 क्वेश्चंस कर लिए, अब हमें क्या हुआ था जब हमने स्ट्रक्चरिंग में प्रैक्टिस करी थी तो हमें पता ये एरेज का क्वेश्चन है, ये लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है, ये ट्रीज का क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे लगेगा, तो वे ऑफ माइंड वैसे ही चलता था। हमने बहुत सारी एल्गोरिथम सीखी होंगी, बाइनरी सर्च, बहुत सारी हमने एल्गोरिथम सीखी होंगी, स्लाइडिंग विंडो। अब क्या करो, 100 ऐसे रैंडम क्वेश्चंस करो जिसके अंदर तुम्हें पता नहीं है पहले कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है या कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 100 रैंडम क्वेश्चंस करना, कॉन्सेप्ट्स वही सब यूज होंगे बट 100 रैंडम क्वेश्चंस करूंगा, और उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत सही बुक है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, उसमें 100 से 150 टाइप्स क्वेश्चंस हैं और बहुत ही मतलब इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं और रैंडम क्वेश्चंस हैं, तुम्हें वो नहीं बताता पहले कि ये एरेज का क्वेश्चन है या लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सही है। उस क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू वाली बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, 100 क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तुम्हें कि यार ये अच्छा ये यहां पढ़ा था अब यहां मैं ये यूज कर पा रहा हूं, बहुत मजा आएगा और वो तुम्हें बहुत सही और कॉन्फिडेंस देगा डीएसए में कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम पहले बता रहे हो ट्रीज का क्वेश्चन है या ग्राफ्स का क्वेश्चन है, मुझे पता लग गया है कि मैं रैंडम क्वेश्चंस कर लेता हूं 100 और जैसी तुम्हारी उसमें परफॉर्मेंस रही होगी उन चीजों को रिवाइज करो और कुछ सीखने को मिलेगा वो चीजें अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सही हो जाएगा। और क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू के लिए भी मैं बोल रहा हूं, हमारे गाइड हमारे कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे एक लिस्ट बनी हुई है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू करके, वहां 100 से 150 क्वेश्चन है वो उसको प्रैक्टिस करना है तो अपने प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो, बुक लेना है बुक ले लो जैसी तुम्हारी लर्निंग है, बट अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है एक्चुअल कोड करना है सॉल्यूशंस देखने हैं तो प्लीज उन रैंडम क्वेश्चंस को तुम हमारी लिस्ट से भी कर सकते हो एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप। और ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, राइट? कुछ प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें बस बता रहा हूं जो हमने सोच के बनाया वो यही सोच के बनाया था कि तुम्हारी हेल्प हो, राइट? इट्स एब्सोल्युटली फ्री,
सब कुछ फ्री है कोड स्टूडियो पे, तुम्हारे को बस यूटिलाइज करना है, अपने ऊपर सेल्फ मोटिवेशन रखनी है कि हाँ मैं ये करूंगा, ठीक है। तो चौथा स्टेप टू बिकम ग्रेट इन डेटा साइंस करता हूं, हमने रैंडम क्वेश्चंस कर लिया और बहुत ही सही बन गए हो तुम डीएसए में। तो यार इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अब हम बेसिकली डीएसए में हमने क्या कर लिया, हमने स्ट्रक्चर्ड वे में सीख लिया, हमने सॉल्यूशन से सीख लिया है, हमने रिवीजन कर लिए, हमने 100 रैंडम क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमें बेसिकली डीएसए का फ्लो बनाना है, मेंटेन रखना है। तुम शायद वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो, बट हमें डीएसए का फ्लो रेगुलरली मेंटेन करना है। और वो कैसे होता है, वो जनरली क्या होता है, हम टेस्ट देख देख के हो जाता है, राइट। तुम क्या कर सकते हो फिफ्थ स्टेप में, तुम हमारे कोड स्टूडियो पे अमेज़न की टेस्ट सीरीज है, या गूगल की टेस्ट सीरीज है, या फेसबुक की टेस्ट सीरीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज देना शुरू कर सकते हो कि ये इंटरव्यू में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकता हूँ, यार ये कंपनीज में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे आ रहे हैं, कुछ मैंने अपनी डीएससी की प्रिपरेशन में मिस तो नहीं कर दिया। तो वो चीजें तुम देखना शुरू कर सकते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हमारे कोड स्टूडियो पे तुम इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हो, अमेज़न की लिस्ट कर सकते हो, गूगल की लिस्ट कर सकते हो, कुछ फ्लो मेंटेन करने के लिए यू कैन डेफिनेटली डू दीस क्वेश्चंस अमेज़न के, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के। इससे पहले मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पहले फिर क्या सोच हो जाती है, जब तुम लर्निंग कर रहे हो तो ये मत सोचो ये अमेज़न का क्वेश्चन है, गूगल का क्वेश्चन है। जब एक्चुअली तुम लर्निंग कर चुके हो, अब एक्चुअली तुम्हें फ्लो मेंटेन करना है, तो अब तुम बेसिकली सोच सकते हो चलो मैं अमेज़न के क्वेश्चंस करता हूं, मैं गूगल के क्वेश्चंस करता हूं। तो यू कैन रेफर टू डिफरेंट रिसोर्सेज, है ना। कोड स्टूडियो में मैंने बता दिया टेस्ट सीरीज है, लिस्ट बनी हुई है पॉपुलर अमेज़न प्रॉब्लम्स, तुम इंटरव्यू क्वेश्चंस फिल्टर करके कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारा कोई वीक टॉपिक है बाइनरी ट्रीज तो उसके क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लो, अपना फ्लो मेंटेन करो और उसको बहुत अच्छे से करते जाओ। तो बेसिकली आई विल हाईली रिकमेंड थोड़े टेस्ट वगैरह देने शुरू करो, इंटरव्यू क्वेश्चंस देने शुरू करो, या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना शुरू करो, और देख लो कुछ डीएसए में जो भी तुम्हारा वीक है उसको तुमने ठीक कर लिया। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, टेस्ट वगैरह देना, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह करना, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है अगेन, क्योंकि तुम्हारा ये डीएसए का फ्लो मेंटेन करता है और तुम्हें बताता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन में क्या कमी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट उनके लिए है जिनके पास टाइम है, तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या थर्ड ईयर में भी हो, प्लेसमेंट सीजन थोड़ा सा दूर है अभी, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सिक्स स्टेप, विच इज थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, थोड़ा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, थोड़ा बेसिकली और समझ में आ जाता है अच्छा डेटा साइंस एल्गोरिथम्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्पेशली इन द ऑनलाइन राउंड ऑफ द कंपनीज बिफोर गोइंग इन टू द प्लेसमेंट सीजन, तुम्हारे को फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वहां पर थोड़े स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ में आता है कि यार अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को एक घंटे के अंदर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा अगर तुम एडवांस चीजें डीपी की थोड़ी एडवांस चीजें सीख लो, कुछ नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ सेगमेंट्री के कॉन्सेप्ट सीख लो, ये थोड़े से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर टाइम है तो डेफिनेटली उसको सीखो, क्योंकि अगर तुम टफ कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुम्हारे को बाकी कॉन्सेप्ट्स काफी इजी लगने लगेंगे, दिमाग और खुल जाएगा, अच्छा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हो सकता है, अच्छा ऐसा एल्गोरिथम भी लग सकता है, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट आई एम रिकमेंडिंग अगर टाइम है तो ही करो, और अगर करना है तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का गाइडेड पाथ भी बना हुआ है, वहां से तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तुम्हें वहां स्ट्रक्चर्ड पाथ मिलेगा अगेन कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, टफ क्वेश्चंस कौन से हैं, कोड फोर्सेस कोड शेफ पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो तुम्हें पक्का पूरा मिलेगा। अगेन आई एम रिकमेंडिंग अगर टाइम है तो करना, वरना इसको स्किप कर सकते हो, बट ये तुम्हें इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंस देगा कि यार अगर मैं हार्ड क्वेश्चंस कर लेता हूँ, हार्ड कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ, तो मैं इजी कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो मेरे लिए केक वॉक लगेंगे, मेरा एक अच्छा लेवल बन जाएगा और मेरा ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर करता हूँ और अच्छे से हो जाएंगे, राइट। जब एडवांस चीजें कर लेते हो तो बाकी चीजें आसान लगने लगती हैं। तो ये हो गया सिक्स स्टेप। सेवन स्टेप इज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, अगेन टाइम है तो करना, बट नहीं है टाइम तो स्किप कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू द प्लेसमेंट सीजन आफ्टर द फिफ्थ स्टेप। बट अगर टाइम है तो कॉन्टेस्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट हमें रेगुलरली मोटिवेट करता है, हमें नए नए क्वेश्चंस देता है डीएसए का फ्लो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ली है तो हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोड फोर्सेस में बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, कोड शेफ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, हमारे कोड स्टूडियो पे भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट होने लगे हैं, राइट। इफ यू विल चेक आउट अवर कॉन्टेस्ट सेक्शन, वहां पर
बेसिकली तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं लाइक लव बब्बर, तुम्हारे बेसिकली हमारे वीकली कॉन्टेस्ट चालू हो गए हैं, हर वीक एक कॉन्टेस्ट हो रहा होता है जहाँ पर तुम पार्टिसिपेट करो, वो बेसिकली थोड़े इंटरव्यू बेस्ड कॉन्टेस्ट है, बट दैट इज रियली फॉर यू टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डीएसए. हो सकता है उस पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ना आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, कोड फोर्सेस कोड शेफ पे थोड़े कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अगर तुमने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो लीड कोड या कोड स्टूडियो टाइप के कॉन्टेस्ट दे सकते हो जिससे कि तुम्हारा डीएसए का फ्लो मेंटेन रहे, या फिर अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रखी है तो कोड फोर्सेस कोड शेफ पे और प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां थोड़े और टफ कॉन्टेस्ट आते हैं. तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है वो करो, बट ये चीज भी तुम्हारे को डीएसए की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाएगा. तुम्हारे उसमें अब सॉल्विंग करनी होगी क्योंकि कॉन्टेस्ट में ऐसा बहुत बार ही होगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे नहीं बन रहे, एंड यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि अगर तुम कॉन्टेस्ट में अच्छा करते हो तो रेटिंग मिलती है प्लेटफॉर्म पे. अगर तुम्हारी अच्छी रेटिंग होती है कोड फोर्सेस पे तो बड़ी कंपनी से अपने आप कॉल आ जाता है. तो बेसिकली वो पॉइंट टू प्रूफ है कि यार मैं अच्छा हूं डीएसए में. कैसे प्रूफ करोगे यार, प्रैक्टिस कर ली, बट इफ यू हैव टू प्रूव समवन तो क्या होता है, मैं यार एक कॉन्टेस्ट में फोड़ता हूँ इसका मतलब मैं बाकियों से बेटर हूँ थोड़ा डीएसए में, राइट, रेगुलरली कॉन्टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ. तो तुम लीड कोड कोड स्टूडियो टाइप के कॉन्टेस्ट से प्रूव कर सकते हो या कोड फोर्सेस कोड शेफ के कॉन्टेस्ट से प्रूव कर सकते हो. तुम्हें इसके बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. रिज्यूमे में लिखोगे कि मैं इस पर इतना रेटिंग है मेरी, इस पर इतनी रेटिंग है, दैट विल डेफिनेटली मेक यू अ ग्रेट कोडर एंड ग्रेट इन डेटा स्केल वर्क्स, राइट. तो ये मैंने 7 स्टेप बताए हैं स्ट्रक्चर्ड वे. दूसरा मैंने बताया सॉल्यूशंस का अच्छे से यूटिलाइज करो. तीसरा मैंने बताया रिवीजन जरूर करना उसके बाद. चौथा मैंने बताया था कि रैंडम क्वेश्चन जरूर करना. पांचवा मैंने बोला टेस्ट सीरीज वगैरह दो, अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस करो. सिक्स पॉइंट मैंने बोला अगर टाइम है तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर लो, अगर नहीं है टाइम तो स्किप कर सकते हो. सेवन पॉइंट मैंने बोला रेगुलर फ्लो मेंटेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए डीएसए में मैं अच्छा हूं या नहीं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, एंड दीज थिंग्स विल मेक यू अमेजिंग इन डेटा स्केल एल्गोरिथम्स. हमारा कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हारी कवर हो रही हैं. वहाँ पर जाके अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, सब चीज़ें सीख सकते हो. 2022 में कोड स्टूडियो और अच्छा होने वाला है और हम चीज़ों को बेटर करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज करो. कोई भी फीडबैक हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. डेफिनेटली वी टेक योर फीडबैक वेरी सीरियसली. तो इन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करो, एंड तुम्हें मज़ा आना चाहिए, हमें मज़ा आएगा अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है. सो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, थोड़ी रीच बढ़ जाती है और लोगों को पता चल जाता है, तो सबकी हेल्प हो जाती है. एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. ओके, सो आई विश यू अ ग्रेट ईयर दिस 2022. अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बिकम अमेजिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम्स. ओके, थैंक यू.